जिस तरह मुंबई में गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह इस चुनावी माहौल में चुनावी सहकर्मी भी सर चढ़कर बोल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी, शिवसेना और एनडीए गठबंधन के एक महायुति समारोह में मीरा भाईंदर के विधायक नरेंद्र मेहता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं और प्रताप सरनाइक साहब मिलकर इस शहर को साफ कर देंगे। और इस वीडियो कुछ लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया। आइए हम इस वीडियो की पूरी सच्चाई आपको दिखाते हैं। जिसको डर होता है वही छोड़ता है, ये बात और है कि हम दोनों को डर ही नहीं है। सरनाईक साहबाला ही पूर्ण विश्वास है, माला ही पूर्ण विश्वास है कि जनता आमचा पाठीशी आणि खरखर तो कॉन्फिडेंट लेवल है। हार जीत अपनी जगह पर, लेकिन कॉन्फिडेंट लेवल है, विश्वास है जनता के प्रति और कार्यकर्ता के प्रति। लेकिन राष्ट्रवादी का ना कार्यकर्ता पे विश्वास है ना जनता पे विश्वास है, इसलिए वो एक से एक जगह सरेंडर होते जा रहे। और पत्रकार बंधु यहां पे सरनाईक साहब, मैंने मुजफ्फर हुसैन जितना चतुर व्यक्ति तो आज तक देखा ही नहीं, चतुर व्यक्ति आज तक देखा ही नहीं मैंने। पहला उन्होंने संजीव नाइक को घर पे बिठा दिया शांति से, फिर बाद में मैं विधायक बन गया, बाद में धीरे धीरे कॉरपोरेशन से भी राष्ट्रवादी को खत्म कर दिया। अब बची कुची उनके पास एक सीट थी विधानसभा की, वो भी उन्होंने कहा कि ये भी मैं तुमको नहीं दूंगा, सब ले लिया मतलब। और वो ये जानते हैं कि आनंद परांज पे जी हारने वाले। उन्होंने राष्ट्रवादी को हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे खत्म करने के लिए। अब इनके जैसे दोस्त अगर मिल जाए कांग्रेस और राष्ट्रवादी को, तो उनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है। मुजफ्फर ने राष्ट्रवादी को निपटा दिया, हमारी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर राष्ट्रवादी को इस शहर से खत्म करने का काम किया है। मेरा और सरनाईक जी का आधा काम उन्होंने कर दिया है, बचा कांग्रेस। तो विश्वास दिलाता हूं 2019 तक कांग्रेस भी हम खत्म कर देंगे इस शहर के अंदर से, यह मेरा विश्वास है। देवेंद्र फडणवीस जी बैठे महाराष्ट्र देखने के लिए, मोदी जी बैठे केंद्र देखने के लिए, लेकिन मीरा भाईंदर हम दोनों मिलकर खत्म कर देंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी संख्या कम होती जाएगी। मोदी जी ने बड़े बड़े सर्जिकल स्ट्राइक किए, लेकिन हमने भी किए, हमने राजनीतिक किए, उन्होंने देश के हित में किए। तो आप सबसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मुद्दे आप सब जानते हैं, बातें आप सब जानते हैं, हमारा एकमात्र लक्ष्य, केवल एकमात्र लक्ष्य, ना बहकावे में जाना है ना बहाने में जाना है। कार्यकर्ताओं का मेलावा वापस होगा कि नहीं होगा, कभी होना माला माहित नहीं, कारण आता अनेक काम है। मात्र 30 दिवस अपने कड़े, पैतले 2 दिवस अपना प्रचार करता है, इतना 28 दिन हमारे पास बचे। 28 दिन के अंदर इस मीरा भाईंदर की 15 लाख जनता तक हमें पहुंचना है। हमारी फिर से ऐसी बैठक हो या ना हो, कोई भी अफवाहों पे नहीं जाएगा कि सेना ने भाजपा को ऐसा कहा, भाजपा ने सेना को ऐसा कहा। अब आज के बाद राष्ट्रवादी और कांग्रेस के दूसरा कुछ काम नहीं है, खाली पत्थर मारने का काम उनके पास है, इसलिए किसी अफवाह पे नहीं जाएंगे। हम सिर्फ एक ही काम देखेंगे, एक ही चीज को देखेंगे, राजन बिचारे जी और नरेंद्र मोदी जी को, बाकी हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं देखते। जिनको जो बोलना है बोलने दो, एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकालना है, क्योंकि चुनाव के समय में यह सारी चीजें होती है।